जैनिमूल फाउंडेशन सर्विस टू ह्यूमैनिटी की जानिब से जरूरतमंदों के लिए फ्री महीने का राशन, औरतों के लिए फ्री टेलरिंग और कंप्यूटर क्लासेस, एजुकेशन और मेडिकल की मदद, हेल्थ कार्ड जिसके जरिए बेलगाम के चुनिंदा अस्पतालों में आपका फ्री ट्रीटमेंट होगा। जरूरतमंद हजरात राब्ता कायम करें। नाज़रीन आदाब, बेलगाम एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि बेलगाम शहर के कब्रिस्तान में आज कोरोना से मरने वाले दो लोगों की तदफीन अमल में आई। बेलगाम वीरभद्र नगर में एक 48 साल शख्स की कोरोना से मौत हुई है और वहीं कुड़ची के एक 79 साल बुजुर्ग की मौत भी कोरोना से हुई थी। इन दोनों की आज बेलगाम शहर के कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। बेलगाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया व दीगर बेलगाम के नौजवानों की टीम ने तदफीन की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए PFI के अबरार गरग ने तफसीलात पेश की हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जैसे कि बेलगाम के अंदर एक न्यूज़ कल से सर्कुलेट हो लेकर है कि बेलगाम के अंदर कोविड के पेशेंट के एक इंतकाल होकर है वीरभद्र नगर का, और एक कुड़ची के पेशेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों पेशेंट्स का जो तदफीन का जो काम था, अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बेलगाम के कैडर्स और इसके साथ साथ में अंजुमन इस्लाम के जो है जो सदर हैं राजू सेठ वगैरह, इनके तरफ से भी एक टीम आकर के हम लोग लीगली और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे तरीके से यहाँ पर तदफीन का काम किए हैं। और इसके लिए जो हमको ट्रेनिंग दी गई थी, ये हमारी तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी दी गई थी, और साथ साथ में यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर नबील और डॉक्टर काजी जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सर्जन हैं, वो लोग हमको बिम्स हॉस्पिटल के अंदर ख़ास हमारी कैडर्स के लिए और भी जो दूसरे तंजीम के जो लोग थे उनको एक ट्रेनिंग भी दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी ट्रेनिंग के तहत हम लोग आज यहाँ पर तदफीन का काम किए हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी हमारा काम चल रहा है वहाँ पर हमको ये काम करते हुए नज़र आ रहा है। जैसे कि पुणे हो, महाराष्ट्र के अक्सर इलाकों में, औरंगाबाद हो, पुणे हो या फिर मुंबई हो, यहाँ पे सभी जगह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये काम कर रहे हैं और पहली सफ में आकर के काम कर रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटका में भी पिछले हफ्ते अगर हम लोग देखे हैं न्यूज़ में तो आया है कि दक्षिण कन्नड़ा में, इसके अलावा रामनगरा में वगैरह भी हम लोग जो है बरियल के प्रोसेस में एक्टिवली काम कर लेकर हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह बेलगाम के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा हम लोग जो है इस फील्ड ग्राउंड फील्ड में उतर करके काम करने के लिए हमारे कैडर्स रेडी हैं। यहाँ पर हम लोग को जो है गाइडलाइंस दिए हैं कि खुद को आइसोलेट भी करना है और खुद को जो है इसमें क्वारंटाइन में रखना है, और इसके अलावा जो सैनिटाइज वगैरह करना है हमको, इसके ताल्लुक से जो है अच्छे से एक ट्रेनिंग दिया गया था कि जब PPE किट्स निकालेंगे तो कैसे खुद को सैनिटाइज़ करना है। वो सैनिटाइज़ वगैरह करने के बाद हम लोग जो है, हमको यहाँ पर इंतज़ाम भी किया गया है, यहीं पर हम लोग जो है नहा कर ड्रेस वगैरह पूरा चेंज करके हम लोग घर जाएँगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो अभी तक जो तदफीन का काम करते आए हैं इसके अंदर हम लोग देखे हैं कि कई सारे अलग अलग मज़हब के जो है लोग आए थे हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह हर मज़हब के जो पेशेंट्स आए हैं, जो डेथ होकर डेथ के जो इश्यूज आए हैं उनको हम लोग उन्हीं के रिलीजियस जो रिचुअल्स हैं उसके हिसाब से ही हम लोग उसका तदफीन का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, जैसे कि इसमें पुणे में एक इशू आया था, एक दलित की एक कोविड मौत हुई थी, दलित का पेशेंट था, तो उसकी फैमिली भी वहाँ पर अप्रोच नहीं हो रही थी, वहाँ पर भी हमारी टीम पहुँच करके अल्हम्दुलिल्लाह उसका तदफीन का जो भी उनके रिलीजन के हिसाब से जो भी रिचुअल्स हैं उसके हिसाब से ही हम लोग उसका काम किए थे, तदफीन का काम। डॉक्टर नबील गड़ी ने लोगों को मोहतात रहने की सलाह दी है। जनरल कम्युनिटी से ये अपील है कि प्लीज़ ये बीमारी को लाइटली मत लीजिए, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम। कर्नाटका में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन है, तो ऊपर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ख्याल रखिए, बगैर वजह घर से बाहर मत जाइए। बाबूलाल मुजावर और अब्दुल गफूर घीवाले ने हुजूम बनाने और शादियों पर भीड़ इकट्ठा करने को गलत बताते हुए ऐसी हरकतों से बचने की गुजारिश की है। इस बीमारी को हल्के में ना लें, खासकर मस्जिदों में सोशल डिस्टेंस का खास कर ख्याल रखें, और जो 65 साल की उम्र के जो बुजुर्ग हजरात हैं, 10 साल से कम वाले बच्चे हैं, वो बिल्कुल मस्जिद ना जाएं, घरों में अपनी इबादत करें, नमाज़ें अदा करें। जो शादियों का माहौल चल रहा है, बड़ी बड़ी दावतों से बचें, क्योंकि आप देख रहे हैं
कि ऐसे हालात हो सकती है जहाँ पे जनाजे पे रिश्तेदार भी नहीं जा सकते। एक हमारी टीम जो है वो काम करके डॉक्टर नवीन है उनके अंडर में हर चीज़ का इंतजाम किया है। अभी भी जो हमारी हिफाजत के लिए जो हमें गाइडलाइन दी जाती है जो हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर्स की तरफ से, आज यही बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है कि हम इसे फॉलो करें। इस तरह से आज जो दो मौतें हुई बेलगाम की और कुर्सी की, अफसोसनाक है। अब तो समझ जाओ बेलगाम वालों, खुद अपने अपने मोहल्लों में अपने यंग तबके के साथ में जहाँ भी शादियाँ हो रही हैं उन शादियों को छोटा कर दीजिए। आज तो हुजूर की सुन्नत भी है कि छोटी शादियाँ करो, अरे मौका मिल रहा है वो कर लो ना आप सुन्नत इस वबा में तो कर लो सुन्नत को पूरी। और अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को खास ख्याल रखें और बुजुर्गों का ज़्यादा ध्यान दें। अपने बिजनेस में भी एहतियातन काम करें, अपने बिजनेस में जो आप काम करते हैं वहाँ भी एहतियात बरतें। खुसूस शहर बेलगाम में जो बेहतियाती हमारी हो रही है वो उससे परहेज करने की कोशिश करें। अल्लाह ना करे कि आइंदा फिर ये बीमारी बढ़े और फिर मौतें ज़्यादा हो जाएं और नुकसान होता चला जाए। तो इसलिए से आप हजरात से दरख्वास्त है कि ये मंजर दिखा भी नहीं सकते हैं, ऐसा मंजर है, लेकिन इतना है कि हमने खुद आंखों से देखा। अभी अब तक तो वीडियो में देख रहे थे लेकिन आज खुद कब्रस्तान अंजुमन में खड़े होकर के मंजर देखा तो बहुत ही दिल से यानी दर्द भरा हुआ है कि ऐसी मौत अल्लाह किसी को ना दे। और हम सब से इस वक्त में सबक ये है कि हम अपनी अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, अपने अहले खाना की सेहत का खास ख्याल रखें, भीड़ भाड़ की जगहों से हिफाजत में रहें और इसी तरह परहेज के और एहतियात की जो तदाबीर हैं उन सबको इस्तेमाल करते रहें। ये मौके हमारे बचने के हैं, हम अपनी सेहत ज़रूरी समझें, अपनी जान की हिफाजत ज़रूरी है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, फिर भी सब लोगों को अपना अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये हालत में क्यों हुआ कैसे हुआ ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम सब लोगों को अपना अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए गवर्नमेंट एक गाइडलाइन बनाता है ताकि हमारा भी थोड़ा जिम्मेदारी रहता है, जो हम खुद करना चाहिए वो गवर्नमेंट गाइडलाइन के रूप से देता है बस। तो इसीलिए जो भी भाई बहने हैं सब हमारे बहुत होशियारी से रहना है, वही एक बात बोलना चाहता हूँ। इस मौके पर अंजुमन इस्लाम के सदर राजू सेठ, बाबूलाल मुजावर, डॉक्टर नबील गड़ी, डॉक्टर काजी, तहसीलदार वगैरह मौजूद थे। दिन भर की मजीद खबरों के लिए देखते रहिए बेलगाम एक्सप्रेस।